एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ शाइनी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ फ्लिपकार्ट हॉल। मैंने बहुत सारी शॉपिंग की है फ्रॉम फ्लिपकार्ट, जैसे क्लोथिंग आइटम्स भी है, फिर ज्वेलरी भी है, एंड एवरीथिंग इज जस्ट अंडर ₹300। ज्यादा से ज्यादा जो क्लोथिंग आइटम्स मैंने परचेस किए हैं सारी ही 100 से नीचे ही है, लाइक 90 rupees 100 में ही आपको 20 से 20 टॉप्स में दिखाऊंगी। सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैंने सारी ही प्रोडक्ट्स को अपने पैसे से खरीदे हैं फ्रॉम फ्लिपकार्ट। सो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके का मैं हर रोज वीडियो शेयर करती रहती हूँ आप लोगों के साथ। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द टॉप दैट आई एम वेयरिंग टुडे। ये बहुत ही ज्यादा क्यूट सा ट्रेंडी सा टॉप है एंड द प्राइस इज ऑल्सो वेरी अफोर्डेबल। 100 rupees के अंदर इतना ज्यादा ट्रेंडी टॉप मैं कभी भी नहीं सोच सकती थी, बट फ्लिपकार्ट मुझे कभी कभार अच्छा खासा डील मुझे मिल जाता है, दैट्स व्हाई मैं उसी वक्त तुरंत परचेज कर लेती हूँ। दिस वॉज रियली अफोर्डेबल और ये काफी ज्यादा ट्रेंडी है। आप इसे स्टाइल भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, बिकॉज ये जो टाई अप्स है ये आप किसी भी तरीके से, किसी भी तरह से आप इसे स्टाइल कर सकते हैं। सो आई जस्ट लव दिस टॉप। हाँ, ये थोड़ा सा छोटा है साइज में, मतलब इसकी जो साइज है, इसकी जो लेंथ है वो थोड़ी सी छोटी है, बट यू नो यू कैन डेफिनेटली वेयर दिस विथ एनी प्लाजो और कोई फ्लेयर जीन्स के साथ या फिर स्कर्ट के साथ भी आप इसे इजिली पेयर कर सकते हैं। सो दिस वन इज अ मस्ट बाय। इसकी क्वालिटी भी काफी अच्छी है, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट मटेरियल है, येट सी थ्रू बिल्कुल भी नहीं है। सो जो नेक्स्ट है वो भी एक काफी क्यूट ट्रेंडी सा एक टॉप है, विच इज दिस वन। और ये अभी आपको नहीं दिखाई देगा, बट मैं स्क्रीन पर एक पिक्चर ऐड कर दूंगी। सो आप लोग देख सकते हैं, इस तरीके से आप इसको टाई करेंगे तो ये काफी खूबसूरत सा दिखता है। यहां पर शोल्डर में ये वाला नॉट आप टाई कर सकते हैं और इसके जो स्लीव्स है ना, दीज आर रियली ट्रेंडी। तो आप इस टॉप को जींस के साथ भी वेयर कर सकते हैं, आप चाहे तो इसे स्कर्ट, क्यूट मिनी स्कर्ट के साथ भी इसे वेयर कर सकते हैं। दिस इज नॉट एट ऑल दैट अफोर्डेबल आई वुड से, क्योंकि 200 rupees में या इट्स गुड, बट इसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं लगी मुझे। दिस इज रियली स्टाइलिश क्यूट ट्रेंडी टॉप, बट इसका जो मटेरियल है ना, दैट इज नॉट एट ऑल गुड, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं थोड़ा सा ये सी थ्रू है थोड़ा सा, और इसका कलर काफी अच्छा है, फेड भी नहीं होता। अगर आप वॉश करते हैं तो फेड नहीं होता, विच इज गुड। ये टी शर्ट मटेरियल नहीं है, ये थोड़ा सा कॉटनिश सा मटेरियल है, बट नॉट एट ऑल प्योर कॉटन, सिंथेटिक कॉटन का है, बट या थोड़ा सा सी थ्रू है, दैट्स इट। बट नेवरदलेस यू कैन डेफिनेटली परचेज दिस वन इफ यू आर सर्चिंग फॉर समथिंग क्यूट। तो या नेक्स्ट जो एक है वो है एक विंटर वेयर, जो कि बहुत ही माइल्ड विंटर के लिए परफेक्ट है। अगर आप दिन में कहीं पर निकल रहे हैं, यू नो विंटर सीजन में, तो आप डेफिनेटली इसे ब्रंच डेट के लिए या फिर लंच डेट के लिए वेयर कर सकते हैं। यू कैन सी इसके नेक में भी क्यूट रफल्स है और ये थोड़ा सा हाई नेक है, बट दिस इज ऑफ नो यूज, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा लूज है तो ये आपके नेक में टाइटली फिट नहीं होता। बट या इट लुक्स वेरी ट्रेंडी आई मस्ट से। मैं जब भूटान में गई थी तो मेरे भूटान व्लॉग्स में भी आप लोगों ने देखा है मैंने इस टॉप को वेयर किया था। तो भूटान में इट्स सो कोल्ड, बट आप डे टाइम में डेफिनेटली इसे वेयर कर सकते हैं, बिकॉज ये काफी ज्यादा वार्मथ प्रोवाइड करता है एंड दिस इज ऑफ अ वेरी वेल नोन एंड गुड ब्रांड, विच इज ड्रेस। और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत सॉफ्ट है, बहुत ही ज्यादा लाइट वेट भी है, येट काफी अच्छे से वार्मथ भी प्रोवाइड करता है। इसका जो नीचे का पोर्शन है दैट्स टोटली बेसिक, सो आप इसे डेफिनेटली जीन्स के साथ वेयर कर सकते हैं। आई वुड से यू कैन हाईली गो फॉर दिस टॉप। मैंने इसे काफी ज्यादा अफोर्डेबल रेट में परचेज किया था, बट अभी शायद उतना ज्यादा अफोर्डेबल रेट में आपको नहीं मिलेगा, बट अगर ज्यादा में भी मिलता है जस्ट बाय दिस, बिकॉज ये बहुत ही अच्छा एक विंटर वेयर है। ओके, सो जो नेक्स्ट है वो एक टॉप है जो कि मुझे बहुत अफोर्डेबल रेट में मिल गया था। मेरा साइज है एस साइज और आप लोग देख सकते हैं ये थोड़ा सा यू नो ट्यूनिक टाइप्स है, तो स्लीव्स में भी रफल्स है इसके, और इसका कलर भी मुझे काफी प्रिटी लगा एंड इसके प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगा था कि नो दिस विल नॉट बी ऑफ गुड क्वालिटी, बट डेफिनेटली इट इज ऑफ गुड क्वालिटी, क्योंकि ये बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं है, कॉटन मटेरियल है, तो बहुत ज्यादा गर्मियों में आप पहन सकते हैं इसे, बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है। ऑल्सो ये आपको वेस्ट के नीचे, मतलब वेस्ट के थोड़ा सा ऊपर ही ये वाला एक स्टिच मिलेगा जहां से रफल्स और स्टार्ट हो रहे हैं। सो दिस इज रियली क्यूट टॉप। ये काइंड ऑफ फ्रॉक स्टाइल में है तो
ये आप जीन्स के साथ वेयर कर सकते हैं, टाइट लेगिंग्स के साथ भी ये डेफिनेटली आप वेयर कर सकते हैं। दिस इज अ समर टॉप आई वुड से। इसके ऊपर बहुत मोटे मोटे से फ्लावरी प्रिंट्स है, सो या अफोर्डेबल है तो डेफिनेटली परचेज कीजिए। अगर ये आपके 250 में मिल रहा है देन दिस विल नॉट बी गुड, बट डेफिनेटली अगर ये आपको 200 के नीचे मिल रहा है देन जस्ट गो फॉर दिस वन। नेक्स्ट मैंने फ्लिपकार्ट से एक अजाइल ब्रांड विच इज पैंटालून्स ब्रांड, तो पैंटालून्स का ये टी शर्ट, बेसिक टी शर्ट, जिमिंग टी शर्ट या वर्कआउट टी शर्ट मैंने परचेज किया है। सो ये मुझे काफी कूल लगी एंड इसका मटेरियल इज सो सॉफ्ट, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है इसकी मटेरियल। और इसके स्लीव्स में इस तरीके से गोल्डन बॉर्डर्स है, चेस्ट पोर्शन में यहाँ पर लिखा है हसल हार्ड 100%। सो दिस इज परफेक्ट फॉर वर्कआउट एंड जिम। और इसका जो कलर है ना वो फ्लोरेसेंट कलर है, बट द मटेरियल इज सो सॉफ्ट, सो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसको आप डेफिनेटली बाहर तो वेयर कर ही सकते हैं, बट दिस इज टोटली वर्कआउट टी शर्ट, तो अगर आप वर्कआउट टी शर्ट ढूंढ रहे हैं या फिर घर में पहनने के लिए कुछ कंफर्टेबल, तो आप डेफिनेटली इसे परचेज कर सकते हैं। मुझे ये अच्छा खासा डील में मिल गया। सो नेक्स्ट जो मैंने परचेज किया है वो थोड़ा सा एथनिक साइड में है, जो मैं यूनिवर्सिटी भी पहन के जा सकूं, क्योंकि यूनिवर्सिटी में मैं इस तरीके से टी शर्ट वगैरह मैं नहीं पहन सकती हूँ, इस तरीके से ट्रेंडी टॉप। सो मुझे थोड़ा सा यू नो ट्यूनिक्स एंड कुर्ती मुझे चाहिए, तो ये भी ना पैंटालून्स का ही एक ब्रांड विच इज रंग रीति, उस ब्रांड का है और मुझे भी ये काफी ज्यादा अफोर्डेबल रेट में मिला। एंड ये आप देख सकते हैं इसकी हालत अभी थोड़ी सी खराब है बिकॉज मैंने इसे वेयर भी किया था। दिस वन इज मरून कलर और इसमें ब्लू कलर भी अवेलेबल है, सेम डिजाइन स्लीव्स पर आप लोग देख सकते हैं इस तरीके का एक डिजाइन है। और बेसिक प्लेन है, सामने आपको इस तरीके से बटन्स मिलेंगे, यहाँ पर एक छोटा सा टैसल भी है। और इसका जो साइज है ना, इसका जो लेंथ है वो एक्चुअली नी के थोड़ा सा ऊपर आता है मेरा, और फ्रंट पोर्शन में आपको बॉटम पोर्शन में आपको ये वाला डिजाइन मिलेगा विच लुक्स रियली एथनिक, एक टच दिया है इस वाले में। सो आई रियली लव दिस वन क्योंकि ये प्योर कॉटन का है, सो समर टाइम के लिए ये परफेक्ट है, मेरे लिए ये यूनिवर्सिटी के लिए परफेक्ट है, तो अगर आप कॉलेज में जाते हैं तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दिस वन। ओके गाइस, सो नेक्स्ट जो मैं अभी दिखाने वाली हूँ दैट्स माय फेवरेट, क्योंकि ये है एक नाइट सूट, नाइट सेट आई वुड से, क्योंकि ये वाला है इसका शर्ट और ये है उसका पैंट। सो ये है फ्रॉम द ब्रांड ड्रीम बी और ये थोड़ा सा साइज बिगर है, ये एल साइज में है, बट मैं ना घर में जो पहनना पसंद करती हूँ वो थोड़ा सा लूज हो, यही मुझे अच्छा लगता है बिकॉज फिर मैं कंफर्टेबल होती हूँ। तो इसका जो मटेरियल है दैट सो सॉफ्ट, काफी ज्यादा सॉफ्ट इसकी मटेरियल है। ऑल्सो इसमें आपको पॉकेट भी मिलता है शर्ट में, फिर ये पैंट भी है बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट। सो आई वुड हाईली रिकमेंड दिस ब्रांड ड्रीम बी, क्योंकि इनके बहुत सारे ऐसे ही नाइट सूट्स होते हैं तो मैंने देखा है। एंड ये जो मेरा शर्ट है ना दिस इज अ फुल स्लीव, तो मैंने जानबूझ के फुल स्लीव ही ऑर्डर किया है क्योंकि मेरे पास ऐसा फुल स्लीव नहीं था। तो ये आप विंटर में भी वेयर कर सकते हैं और ये आप समर में भी वेयर कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द क्वालिटी, क्योंकि क्वालिटी काफी ज्यादा मतलब कंफर्टेबल है, दैट्स वाई। और ये आपको डिस्काउंटेड प्राइस में सेल के टाइम शायद मिले, लेकिन ये आपको जनरली 400 रुपीज के अंदर आसपास मिलता है, उसमें भी मिले फिर यू ऑल्सो कैन परचेज दिस वन बिकॉज दिस इज वर्थ बाय आई वुड से। लास्ट आइटम एक ज्वेलरी आइटम है जो मुझे कुछ दिनों पहले ही मुझे रिसीव हुआ है, बट मुझे लगा आप लोगों के साथ इस हॉल में शेयर करना जरूरी है। ये थोड़ा सा ज्यादा है 300 रुपीज से, 100 रुपीज ज्यादा है, इट रिटेल्स फॉर 400 रुपीज, बट 400 रुपीज में भी दिस इज रियली गुड। लेकिन इसकी क्वालिटी में मुझे कुछ डाउट है, तो मैं इसे 2-3 दिनों के बाद इसका जो अपडेटेड रिव्यू है अगर आप लोगों को देखना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इसके ऊपर अपडेटेड रिव्यू शेयर करूंगी। लेकिन मुझे इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं लग रही है, बट या इट लुक्स ब्यूटिफुल, इट लुक्स ऑसम। और ये एक ब्राइडल ज्वेलरी आई वुड से, ये एक ब्राइडल ज्वेलरी है तो पैकेजिंग भी काफी अच्छी है। ये जावरी पर्ल्स की ये जोधा अकबर नेकलेस सेट है, मतलब जोधा नेकलेस सेट है जो आप एंगेजमेंट में पहन सकते हैं, अगर आप ब्राइड है तो आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी अगर पहनना चाहते हैं तो आप इस तरीके का ज्वेलरी डेफिनेटली पहन सकते हैं। सो दिस इज अ वेरी नाइस पीस क्योंकि ये दिखने में अच्छा है, बट क्वालिटी वाइज मैं आपको डिटेल में बाद में कभी बताऊंगी। सो आप लोग देख सकते हैं इसमें ग्रीन और मरून कलर में ही जो डिजाइन है वो है। इसका इयररिंग उतना ज्यादा हेवी नहीं है, सो आप इजीली इसे कैरी कर सकते हैं, लेकिन हर नेक पीस थोड़ा सा हेवी है, बट इसके ऊपर मैं डिटेल में आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर करके मैं सब कुछ शेयर करूंगी।
सो यार दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी तरीके का वीडियोस देखने के लिए कमेंट करके जरूर मुझे बताइए कि इस तरीके का हॉल वीडियोस मुझे शेयर करनी चाहिए कि नहीं। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। बाय एवरीवन।